आज आईफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो यस, ये है घर की अफ्तारी गाइस। रेबेल, खराब लग रहा है ब्रो। आप जाइए, लेटिए। इसको ऐसा करिए आप कि सामान बाहर छोड़ दीजिए सारा। हाँ, इसको पहले सैनिटाइज कर लूँगा मैं, उसके बाद फिर रखूँगा। अच्छा, 3630 प्लस 120 आपने वो खाने का दिया था, 3750 हो गया। ठीक है, ये रख लीजिए। शुक्रिया। ठीक है, 5000 है। शुक्रिया। ठीक है, हाँ हो गया। नहीं, नहीं। हो गया, हो गया। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए, मुलाकात होती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। वेलकम बैक गाइस टू अनदर व्लॉग। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पिछले व्लॉग में, बहुत ज्यादा प्रिकॉशन एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी चीज़ें सब कुछ का ख्याल रखते हुए हम लोग यहाँ पे घर तक आए। मैंने अपनी तरफ से जितना हो सका था उतना मैंने सारा प्रिकॉशन लिया। रेस्ट अब ऊपर वाले के हाथ में है। अगर तू इतनी सी भूल चूक में कुछ हो गया हो तो आई डोंट नो, दिस इज़ गोइंग टू बी माई वर्ल्ड फॉर द नेक्स्ट 5-7 डेज, आई डोंट नो, मे बी। मैंने ये सोचा कि 5-6 दिन तक मैं इसी कमरे में रहूँगा एंड देन फिर उसके बाद अपना एक कोविड टेस्ट करवाऊँगा मैं, टू एंश्योर माई सेल्फ कि या आई एम ऑल राइट एंड आई एम रेडी टू मीट, टू मिंगल, टू सिट विद माई पेरेंट्स, विद माई फैमिली। तो लेट्स सी। 6 बजे सुबह हम लोगों ने स्टार्ट किया था एंड अभी कितना बज रहा है, अभी 5 बज रहा है। 11 आवर्स भाई, मैंने बोला था 11-12 घंटा लगता है। अभी हम लोग चलते हैं, जाके फ्रेशन अप हो जाते हैं, नहा लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, उसके बाद फिर स्कूल से लेटेंगे। उन सब कपड़ों को अभी फेंकना होता है। अभी घर के ग्रुप पे मैसेज करके मैंने ये बकेट मंगवाया, और क्योंकि मैं इसमें अपने कपड़े जो कि धुलने वाले होंगे वो सैनिटाइज होके जो धुलने वाले होंगे उन सबको इसमें डंप करूँगा। आई डोंट नो, मेरे दिमाग में जो जो आ रहा है मैं वो प्रिकॉशन ले रहा हूँ। डस्टबिन भी मैंने मंगवा लिया ताकि कोई चीज़ अगर फेंकनी हो तो फिर डस्टबिन भी रहे। नहाने चलते हैं। 3-2-1 गाइस, अभी नहावा के आई एम अप एंड रेडी, आई एम फीलिंग फ्रेश नाउ एंड उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा स्लीपी। अभी मैं जाऊँगा इंस्टाग्राम पे DM और सारे टैग स्टोरी सब कुछ देखूंगा, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा आज के ब्लॉग पे एंड देन फिर उसके बाद थोड़ी देर सोएंगे, फिर उठेंगे, इफ्तार करेंगे, रोज़ा खोलेंगे मतलब, एंड फिर उसके बाद हम लोग आज आईफोन का अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अभी लेकिन बहुत ज़्यादा थका हूँ, लेट्स गेट टू स्लीप। सो हे गाइस, हम लोग अभी इफ्तार के लिए रेडी हो चुके हैं और हमारे रूम में इफ्तारी लाके हमें दे दी गई है। ये फ्रूट चाट, दिस इज़ रू अफ़ज़ा फ्रेंच फ्राइज, प्याज की पकौड़ी, दिस इज चिकन स्प्रिंग रोल, फ्राइड मोमोज, चिकन फ्राइड राइस। सो या, दिस इज इट। ये हमारा इफ्तार है गाइस, घर का इफ्तार। रेबेल, खराब लग रहा है ब्रो। क्या खाने में के लेटेगा क्या? सही है यार, वही रहो, अभी मिस करेगा लेकिन सही है, वर्थ इट है। घर वाले तेरे को मिस करेंगे, मैं भी मिस कर रहा हूँ तुम सब लोगों को वहाँ पे। लेकिन खैर, अभी टाइम हो गया है, 6:50 पे टाइम था इफ्तार का, 6:51 नाउ। सो हम लोग जल्दी से स्टार्ट करते हैं और पेट भर लेते हैं। डन विद द इफ्तार एंड नमाज भी पढ़ लिया हम लोगों ने। नाउ, जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, इट्स टाइम फॉर अनबॉक्सिंग द बीस्ट। द बीस्ट इज हियर गाइज, दिस इज द आईफोन 12 प्रो मैक्स एंड अलॉन्ग विद दिस हमारे पास ये चुटकू आ चुके हैं। ये शायद लेटेस्ट एयरपॉड्स हैं, आई डोंट नो ये क्या बोले जाते हैं, एयरपॉड्स प्रो, या एयरपॉड्स प्रो हैं ये। एंड अरे यहाँ पे लिखा हुआ था हालात, वायरलेस चार्जिंग केस भी है इसके साथ। देखते हैं कि इसका फर्स्ट लुक कैसा है। हालांकि मुझसे ये बोला था खरीदते वक्त, अगर आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें चार्जर नहीं है, सो ये बहुत दुख की बात है। लेकिन हाँ, हमारे पास अपने आईफोन 11 का चार्जर है। आईफोन 11 के बाद भी हम लोगों ने एक चार्जर लिया था, फास्ट चार्जर, जो मुझे लगता है इसके साथ काम चल जाएगा। सो चलो, विदाउट फर्दर अडू करते हैं इसको अनबॉक्स। मैंने ये एक स्पेशल पर्पज़ के लिए लिया है क्योंकि बहुत सारी जगहों पर, जैसे मैंने बताया था, हम
कैरी नहीं करते हैं कैमरा हर वक्त, नहीं जो होता है पास में कैमरा, तो एटलीस्ट उसको उस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए कुछ डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वालिटी का कुछ तो होना चाहिए हमारे पास. सो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट हो गया ये ले लिया गया था, क्योंकि अब जब ये है तो ये भी होना ही चाहिए, तो ये ले लिया. लेकिन ये इन इटसेल्फ बहुत ही महंगा है, 1,40,000 का ये 256 GB स्पेस के साथ. लेट्स गो. ये पुरानी पैकिंग के साथ है, अच्छा एएसएमआर आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम काम चला लेंगे. यस, तो पैकिंग हो गई साइड में, एंड ये है गाइस, ऐसे खोलता हूँ मैं. ओके ये तो ये रहा गाइस दी आईफोन 12 प्रो मैक्स. इसके साथ मैं आपको शायद एएसएमआर दे सकता हूँ, ट्राई करता हूँ. ओके दिस इज द आईफोन 12 प्रो मैक्स. अब तो इतना टाइम हो गया कि आप लोगों ने 10 जगह इसको ऑलरेडी देख लिया होगा, लेकिन ये मेरा आईफोन 12 प्रो मैक्स है, ये हमारा आईफोन 12 प्रो मैक्स है. और इसके कैमरे में से गाइज जो भी चीज़ें कैद होंगी वो सिर्फ आपके लिए होंगी एक्सक्लूसिवली. तो यस, दिस इज फॉर यू गाइज. यूज़ तो मैं करूँगा खैर, लेकिन इसका लुत्फ आप लोग उठाएंगे. ओके तो हमारे पास एक ये है सोनी A7M3, साथ ही साथ हमारे पास सैमसंग का S21 अल्ट्रा, उसके बाद हमारे पास आईफोन 12 प्रो मैक्स और आईफोन 11 है जिसका स्क्रीन फूटा हुआ है, उसको फिक्स कराएंगे. देखेंगे अगर घर वालों में से किसी को ज़रूरत होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो हम अपने पास रख लेंगे. अब इसको हम स्टार्ट करते हैं. ओके और ओला होता है क्या, उबर ना हो जाए, गंदा जो फॉरवर्ड. खैर ये रहा हमारा कटा हुआ एप्पल, पता नहीं कौन इसको खा के भागा है, एक ने वाला इसमें से, ये आज तक जो है एप्पल वाले भी नहीं बता पाए. ये हेलो हो चुका है गाइस, ओला चाहिए मुझे, ओला चाहिए, ओला. सो यस गाइस, दिस इज इट, दिस इज द ओला आलो हालो जो भी है. इसको हम अभी साइड में रख देते हैं और इसको हम बाद में सेटअप करेंगे. नाउ इट्स टाइम फॉर द एयरपॉड्स प्रो. इसका मैटर यहाँ से है, हो गया भाई, इसको थोड़ा जंगली पने से गाइस खोलना पड़ेगा आई गेस. और ये यस, ये खुल चुका है, डिजाइन बाय एप्पल इन कैलिफोर्निया. ये डायरेक्टली विलायत से आएगा इस हमारे पास, और ये आ चुका है हमारे पास छुटकू. सो गाइस ये एक छोटी सी डिबिया 22,000 रुपए की है. आई विल रिकमेंड Not to spend money on this. लेकिन तुम लोग तो बात सुनोगे नहीं, तो जो मर्जी आए कर लेना. इस डिबिया को हम खोलेंगे तो इसके अंदर से कान के दो पुर्जे निकलेंगे जो हम इसको डाल लेंगे. अभी इसको पूरा हम लोगों को सेटअप करना होगा, तो पहले हम फोन को पूरा सेटअप करेंगे, देन फिर इसको सेटअप करेंगे, एंड देन वील बी गुड टू गो. एंड इसको अब सेटअप करते हैं. अभी बज रहे हैं सुबह के 4:30 बज रहे हैं आई गेस, नहीं इट्स 3:45 टू बी वेरी प्रेसाइज. अभी मुझे उठाया गया है कॉल करके, बहुत लंबा सो गया था मैं. अभी उठाया गया सहरी करने के लिए. सहरी इज हम लोग खाते हैं बिफोर वी स्टेप इनटू द रोज़ा. तो अभी यहाँ पे मेरे लिए चाय भेजा गया है और डिस्पोजेबल प्लेट्स में मुझे खाना भेजा जा रहा है एज अ प्रिकॉशन, कि घर की प्लेट्स यूज़ नहीं करी जा रही है, पराठा ऑमलेट है. तो अभी हम लोग ये खा के एंड देन फिर अपना नमाज वमाज पढ़ के वील बी ऑल सेट फॉर द रोज़ा. ठीक है, आप तो वो जो है स्प्रे वाला आप हैंड सैनिटाइजर 5 बॉटल भेजिए मेरे को, हैंड रब वाला भी 5 भेजिए. हाँ भेजिए, ये ऑक्सीमीटर 1 भेजिए मुझे, एक नेबुलाइजर भी भेजिए. हाँ दोनों चाहिए, 5-5. उसके अलावा मुझे एक पैकेट चाहिए सर्जिकल मास्क का. उसमें अल्कोहल परसेंटेज कितना है ये बता दीजिए बस. 70% अल्कोहल उसमें. ठीक है आप भेज दीजिए. N95 है तो आप N95 आप जो ऐसा करो 5 भेज दो फिर. हाँ बस आप ये सामान आप भेज दीजिए. ओके थैंक यू. सो हे गाइस, सहरी वहरी करके और नमाज पढ़ के आई एम डन नाउ, और मैं अब बिल्कुल
थक चुका हूँ बुरी तरीके से, 6 बज रहा है सुबह का, नाउ आई विल गो टू स्लीप। यही मेरी दुनिया होने वाली है आगे के 3-4 दिन के लिए, सो आई डोंट नो कैसे दिन गुजरेंगे कैसे नहीं गुजरेंगे। बताना इसका क्वालिटी आप लोगों को कैसा लग रहा है। ये पहला क्लिप है जो मैं अपने आईफोन 12 प्रो मैक्स से जो है शूट कर रहा हूँ, दोनों में स्विच अप करते रहेंगे, अपना कैमरा यहीं पर रखा हुआ है। बताना कैसा लग रहा है वीडियो क्वालिटी, आप लोगों का फीडबैक मिलेगा वो अच्छा लगेगा। दीज आर द क्वारंटाइन ब्लॉग्स गाइज, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर आपको ये ब्लॉग किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि लाइक से पता लगता है कि यू गाइज आर अप्रिशिएटिंग द एफर्ट्स। नए हो तो सब्सक्राइब करना, बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर करना अपने लोगों में। मिलते हैं अगले ब्लॉग में अगली कहानी के साथ, अंटिल देन टेक केयर गाइज, लव यू ऑल, स्टे सेफ, बाय। Oh,